नेक्स्ट है लेट एस जो है वो इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सबसेट ऑफ आर सच दैट एस इंटरसेक्शन क्यू दिस इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट इसमें जो है वो ट्रू है। पहला है एमसीक्यू क्वेश्चन है, एस जो है एस मस्ट हैव लिमिट पॉइंट, एस मस्ट हैव लिमिट पॉइंट विच बिलोंग्स टू क्यू के पास बिलोंग करेगा। दूसरा जो है एस मस्ट हैव लिमिट पॉइंट विच बिलोंग्स टू आर माइनस क्यू। सी है एस कैन नॉट बी क्लोज सेट, एस कैन नॉट बी क्लोज सेट इन आर। और उसके बाद है डी कि आर जो है आर वाई एस मस्ट हैव ए लिमिट पॉइंट विच बिलोंग्स टू मस्ट हैव लिमिट पॉइंट यहाँ पे करें विच बिलोंग्स टू एस। क्या लगता है क्या होना चाहिए, ABCD एबीसीडी? मस्ट हैव का मतलब समझते हैं? ये है ना कि उसके पास क्यू जो लिमिट पॉइंट होगा वो क्यू में जाएगा निश्चित रूप हाँ से। ये थोड़ी ना मतलब सही नहीं ना होगा, इसका मतलब कि पूरा उसका जो लिमिट पॉइंट होगा क्यू में ही जाएगा। तो ऐसा एग्जांपल दो जिसका लिमिट पॉइंट जो है क्यू में नहीं जाए, कोई ऐसा एग्जांपल है? सही से हम सोचे हैं जैसे एस इंटरसेक्शन क्यू है तो एस का जो लिमिट पॉइंट निकालेंगे आर हो जाएगा, तो आर जैसे एस का एस पूरा का लिमिट लिमिट पॉइंट एक, एस का लिमिट पॉइंट आर हो जाएगा, कैसे पता चला? तो वहाँ पे एस इंटरसेक्शन क्यू फाई है तो वहाँ पे क्यू कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा एस। अच्छा एस इक्वल टू क्यू कम्प्लीमेंट है, इसका मतलब क्या है कि अगर किसी के साथ वन इंटरसेक्शन हो गया 2 3 4 5 और ये जो है एम्प्टी सेट है तो वन जो है इक्वल टू हो जाएगा 2 3 4 5 का कम्प्लीमेंट, अगर हमारे पास इन्वर्सल सेट है 1 से लेके 100 तक, इसका मतलब ये जो हो गया तुम्हारा, क्या ये सही बात है? नहीं सर ऐसे सही नहीं है, बट जैसे क्यू है और क्यू का किसी ठीक कुछ और सोचने की जरूरत है? ट्राई करो, कोई ऐसा एग्जांपल मिल रहा है जो इनफिनाइट हो और उसके साथ इंटरसेक्शन करने पे फाई आ रहा हो लेकिन उसका जो लिमिट पॉइंट हो वो क्यू में बिलोंग, अब इससे जरूरी नहीं कि करता हो। नहीं आ रहा है? √2 + 1 भैया ले लेंगे। अच्छा एक मिनट, पहला ऑप्शन में है मतलब ऑप्शन ए के लिए एस इक्वल टू लेते हैं क्या √2 + 1 बाई ए और एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। चलो बढ़िया, अब सोचे ना इस चीज़ को, अब इसका इंटरसेक्शन करेंगे इसका मतलब क्या हो जाएगा, एस और क्यू में तो क्यू तो रेशनल नंबर है तो इसमें तो कोई रेशनल नंबर है ही नहीं, कोई भी एन डालेंगे तो ये रेशनल है, इसके साथ इंटरसेक्शन में क्या हो जाएगा, ये एम्प्टी सेट है। यानी क्वेश्चन का जो रिक्वायरमेंट है कि एस इज इनफाइनाइट सेट, कोई प्रॉब्लम नहीं, एस इज इनफाइनाइट सबसेट ऑफ आर, और इस तरीके से कंडीशन। अब आगे बढ़ते हैं, कहता है एस मस्ट हैव ए लिमिट पॉइंट, मस्ट हैव ए लिमिट पॉइंट विच बिलोंग्स टू क्यू, जो बिलोंग करता है क्यू में। अच्छा एस मस्ट हैव लिमिट पॉइंट विच बिलोंग्स टू आर माइनस क्यू। अब यहाँ पे जो है जैसा कि देख रहे हैं कि एस डैश जो हो जाएगा यानी कि सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट कितना हो जाएगा √2, दिस इज नॉट बिलोंग्स टू, यहाँ पे बोलेंगे √2 इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ एस, बट √2 डज नॉट बिलोंग टू क्यू, देन ऑप्शन ए इज नॉट ट्रू, नॉट ऑलवेज ट्रू, ये नहीं कि हमेशा ट्रू नहीं है, ये नहीं बोल रहा है, मस्ट भी मतलब हमेशा,
मस्ट का मतलब ऑलवेज ट्रू होने वाला, ये ऑप्शन ए जो है वो सही नहीं होगा। ऑप्शन बी की बात करते हैं, क्लियर है? बी की बात करते हैं, बी के लिए क्या वो सही है? यहां से एक और कट रहा है, सी, सी नंबर कह रहा है सी जो है कैन नॉट बी क्लोज्ड। एक सेकंड यहाँ पे थोड़ा सा क्या करते हैं, अच्छा रहने दो, इसको बताओ बी के लिए कोई ऐसा एग्जांपल ढूंढ रहे हैं क्वेश्चन को, रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा हो और आर माइनस मतलब क्यू कंप्लीमेंट में उसका लिमिट नहीं जाता। नहीं, अरे ऐसा ही सोचो थोड़ा सा, रूट 2 बाय रूट टू बाई, एन एन बिल्कुल सही, यही तो कर रहे, ऐसा ही सोचना है। एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अब इसके साथ इनफाइनाइट सेट है, एस इंटरसेक्शन क्यू जो है वो फाइव है, अब इसका जो है लिमिट पॉइंट पॉइंट फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा, यानी कि जीरो इज लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट ऑफ एस, बट जीरो जो है डज नॉट बिलोंग्स टू आर माइनस क्यू, आर माइनस क्यू में बिलोंग नहीं करेगा, दैट मीन्स, या और भी ऐसे लिख सकते हैं एस का जगह पे क्या, ऐसे टू प्लस अंडर रूट टू अपॉन एन, अच्छा है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ऐसे बहुत सारे सेट है। अब क्या है कि ऐसा सोच नहीं रहे थे, अब इस टाइप का एग्जाम्पल को क्या करेंगे, शॉर्ट नोट्स का जो कॉपी रहेगा उसमें लिख लेंगे, अरे ऐसा तो सोचेंगे नहीं थी, तो ऐसा भी सोच सकते हैं, ठीक है ओके। तो दिस इज डज नॉट बिलोंग्स टू आर माइनस क्यू, इसको एस वन कर देते, तो ये जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, बी नंबर वो गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं सी के लिए, सी के लिए क्या ये सही होगा? कट गया पहले। यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे ऐसा कर देते हैं कि एस के पास या किसी को भी, सी के लिए हम लोग एस वन ही ले लेते हैं, ठीक है, एस वन जो लिए हैं टू, ऐसा लेना है कि टू नहीं लेना, एस वन नहीं वर्क नहीं करेगा, एस इक्वल टू लेते हैं अंडर रूट टू प्लस वन अपॉन एन, जो ऊपर में लिए थे वो हो गया, उसमें क्या करेंगे अंडर रूट टू को ऐड कर देंगे, एस इंटरसेक्शन क्यू जो है वो क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा, और इसका जो लिमिट पॉइंट यानी एस डैश फाइंड करेंगे तो अंडर रूट टू है, दिस इज ए सबसेट ऑफ एस, इम्प्लाइज एस इज क्लोज सेट, क्लोज सेट इन आर, ये कह रहा है क्या, ये क्लोज नहीं होगा हमेशा, कैन नॉट ही मतलब हमेशा सही होगा, तो कभी भी क्लोज नहीं होगा, ये गलत बोल रहा है, ये तो क्लोज हो गया यहाँ पे, तो सी जो है वो भी गलत हो गया, तो वाई डिफॉल्ट क्या हो गया, आंसर तो ऐसे सी हो गया क्योंकि बाकी ऑप्शन को तो ब्रेक कर दिए, तो आंसर हो गया क्या डी, लेकिन अब ये क्यों सही होगा उसको समझते हैं, है ना, इम्पोर्टेंट ये है कि चलो ठीक है क्वेश्चन तो बन गया, अब यहाँ पे समझते हैं कि ये कैसे सही होगा, कहता है कि आर माइनस एस मस्ट हैव ए लिमिट पॉइंट विच बिलोंग्स टू एस, अच्छा आर माइनस एस और वो इनफाइनाइट सबसेट है, सबसेट ऑफ आर, अगर एस इक्वल टू क्यू कंप्लीमेंट लेते हैं तो आर माइनस एस क्या हो जाएगा क्यू, तो इसका मतलब क्या है, उसके पास भी लिमिट पॉइंट है जो एस में बिलोंग करेगा, तो समझने की बात यहाँ पे ये है कि अगर एस इंटरसेक्शन क्यू एक बार एम्प्टी शेड दिया हुआ है तो देखते हैं यहाँ पे बिलोंग्स टू एस, इसको प्रूव करते हैं डी के लिए, ही सेंस हियर एस इज इनफाइनाइट सेट और एस इंटरसेक्शन क्यू जो है वो एम्प्टी सेट है, अच्छा है, और आर माइनस एस इसके पास लिमिट पॉइंट होगा, यानी तो आर माइनस एस को अगर यहाँ देखते हैं कि एस इंटरसेक्शन क्यू जो है फाई है तो आर माइनस एस क्या होगा, और इसके साथ अगर इंटरसेक्शन करते हैं क्यू का तो ये क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा, यानी कुछ तो होगा उसके पास, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि जब ऐसा सिचुएशन है तो पॉसिबिलिटी ये रहेगा कि जो एस है वो सबसेट होगा क्यू के कंप्लीमेंट का, ठीक है ये शो कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग अगर एलिमेंट लेते हैं एस से एलिमेंट लेते हैं तो एस और क्यू में जो है इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट है, यानी कि उन दोनों में कोई इंटरसेक्शन नहीं है, तो एस का जो एलिमेंट होगा कहाँ जाएगा, इरेशनल के पास, यानी कि इसका सबसेट होगा, ऐसा होगा, और एस जो है वो क्या है, यहाँ पे आर माइनस एस कर रहे हैं तो आर माइनस एस किसका सबसेट होगा, इसमें क्या है इरेशनल्स का कलेक्शंस हो गया,
तो आर माइनस एस क्या हो जाएगा, किसका सबसेट होगा? क्यू का? नो, जरूरी नहीं है। हाँ ये बोल सकते हैं कि क्यू का कुछ पार्ट्स आएगा इसके पास, ऐसा बोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो बोल रहे हैं कि वो कैसे सही नहीं है, जैसे सपोज करो अभी जो लिए थे एग्जांपल, एस इक्वल टू अंडर रूट 2 + 1/n, यही था। तो इसका जो है हम लोग आर कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं, एस कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वैसा वैसा रियल नंबर जो किस में नहीं हो, एस में नहीं, एस में नहीं हो, तो क्या उसमें सिर्फ और सिर्फ रेशनल ही होंगे, बहुत सारे हो जाएंगे। माइनस इन्फिनिटी से लेके यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू आएगा, यहाँ पे देख सकते हैं 1 पुट करेंगे तो 2√+1, यानी कि ये आ जाएगा 2√+1, ये सबसे बड़ा वैल्यू होगा, ऐसे समझते हैं, इस टाइप से होगा। और ये जो है इसमें बिलोंग नहीं करता, तो यहाँ पे क्लोज भी हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा क्या, अब इसको लिख नहीं पाएंगे उस फॉर्म में, लेकिन हाँ इतना पार्ट जरूर आएगा। और इसमें जो है यूनियन में ये कर सकते हैं, बेसिकली क्या है इसमें रेशनल्स आएंगे, ठीक है, एस कंप्लीमेंट करेंगे, आर माइनस दिस सेट को घटा देना, पूरा का पूरा इरेशनल्स थोड़ी चला गया, बहुत सारा इरेशनल्स अभी बचा हुआ है इसके पास, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं कि इसके पास लिमिट पॉइंट है, क्योंकि ये जो है तुम्हारा क्या होगा, लेट करते हैं पी को लेते हैं, लेट पी बी ए लिमिट पॉइंट, पी बी ए लिमिट पॉइंट ऑफ आर एस, यानी कि कंप्लीमेंट ऑफ एस, देन बाई डिफिनीशन क्या होता है, देर एग्जिस्ट करेगा क्या, या फिर बाई डिफॉल्ट ये होता है डिफिनीशन में कि एन पी एप्सिलॉन, और माइनस उसमें से पी को हटाएंगे, उसके बाद उसको एस के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो नॉन इम्पटी होना चाहिए, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, इसके साथ नॉन इम्पटी आ रहा है, सॉरी यहाँ पे एस कंप्लीमेंट करें क्योंकि ये इसका लिमिट पॉइंट है, एस कंप्लीमेंट है, तो यहाँ पे इस तरीके से ये आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्या इसके साथ भी वैसा ही सिचुएशन होगा क्यू के साथ करने के, एस के साथ करने के, वो समझते हैं कि अगर ऐसा दिया हुआ कि ये चीज हो रहा है और मुझे क्या करना है कि इस पी को बोलना है कि ये लिमिट पॉइंट होगा एस का, इसके लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे भी वो नॉन इम्पटी होना चाहिए। तो ऐसा करते हैं कि इफ पॉसिबल, एग्जाम्पल लेंगे तो बहुत सारे दिखेगा, कोई भी एग्जाम्पल ले लो वो दिखेगा कि हाँ लिमिट पॉइंट जा रहा है, जैसे इसी का लिमिट पॉइंट है इसका एस के कंप्लीमेंट में, तो बहुत सारे जो भी यहाँ पे लिमिट पॉइंट होंगे सबका सब क्या आ जाएगा, एस में ही बिलोंग करेगा, एस एस कंप्लीमेंट यानी जो भी है लिमिट पॉइंट बिलोंग्स करेंगे एस में, एक लिमिट पॉइंट मिल जाएगा इसमें। तो यहाँ पे जो है ऐसा समझते हैं कि इफ पॉसिबल एन पी एप्सिलॉन माइनस पी, उसके साथ इंटरसेक्शन करते हैं और वो नॉन इम्पटी है फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ऐसा है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर सपोज करते हैं कि पी को अभी हटा देते हैं, पहला केस में ये ले सकते हैं कि पी को अगर हम लोग अभी सोचते हैं कि वो इस सेट का मेंबर नहीं है, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन में क्या ये होल्ड करेगा, फिर जैसे इसमें क्या है, इसमें जो है एस, इसमें इरेशनल्स भी पार्ट है, लेकिन कह रहा है कि नहीं एस जो है वो सबसेट है इरेशनल्स का, और इसमें कह रहा है कि नहीं इसमें जो है इरेशनल्स मतलब इसके साथ इंटरसेक्शन करने पे वो क्या हो जाएगा, बिलोंग मतलब इम्पटी सेट होगा, ऐसे समझते हैं। अगर ऐसा सिचुएशन है तो एस जो होगा सबसेट हो जाएगा एन पी अपसाइला माइनस पी, एन पी अपसाइला माइनस पी का कंप्लीमेंट फॉर ऑल अपसाइलम ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से क्या कंक्लूड करेंगे कि अपसाइलम का वैल्यू जो है बड़ा लेंगे तो क्या ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, थोड़ा सा क्या है ये विजुअलाइजेशन है, थोड़ा सा आगे जब पढ़ेंगे तब ये दिखेगा, हम तो क्या कर रहे हैं वो दिख रहा है, लेकिन ट्राई कर रहे हैं उस चीज़ को तुम लोग को भी दिखे, जैसे यहाँ पे जो है जब ऐसा सिचुएशन होगा तो ये चीज़ होल्ड नहीं करेगा, ये वाला पोर्शन कि हाँ ये पार्ट्स जो होगा ये कलेक्शन होगा इरेशनल्स का, बहुत सारे इरेशनल्स का कलेक्शन होगा, तो ऐसा ये होल्ड नहीं करेगा, देन इम्प्लाई क्या करेगा, एस इंटरसेक्शन या फिर एस जो है
नॉट सबसेट ऑफ क्यू कंप्लीट, पूरे तरीके से नहीं, देन क्या होगा? देन या फिर बोल सकते हैं कि विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, देयर फोर देयर एग्जिस्ट पी बिलोंग्स टू, देयर एग्जिस्ट ए लिमिट पी ऑफ आर एस सच डेट पी जो है बिलोंग करेगा एस में, ऐसा मिलेगा। नहीं तो ये मान के चलेंगे कि जितना लिमिट पॉइंट है इसका सबका सब जो है वो बिलोंग नहीं करता है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन करेगा यहाँ पर। चलो ये नहीं समझ में आ रहा है तो ट्राई करेंगे बाय एग्जाम्पल, इसका कंप्लीमेंट फाइंड कर लिए, इसका लिमिट फाइंड करके देखेंगे, वो दिखेगा हमें से कि बहुत सारे ऐसे वो मिलेंगे लिमिट पॉइंट जो किसमें बिलोंग करेगा एस में। तो कहता है कि स्टेटमेंट क्या कर रहा है यहाँ पे, मस्ट हैव ए लिमिट पॉइंट, यानी कि इसके पास एक लिमिट पॉइंट होगा जो बिलोंग करेगा एस के पास, सबके सब नहीं, नॉट सब, टोटल का टोटल लिमिट पॉइंट नहीं, जरूरी नहीं, एक कम से कम मिलेगा इसके पास। क्लियर है ये? थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन था जब हम लोग फर्स्ट टाइम बनाए थे, तो एग्जाम्पल जो है इस तरीके से सोचने में बड़ा टाइम लगा था, लेकिन हाँ इसको सोच लिए थे कि हाँ क्या होता है ऐसे, तो इस टाइप का थोड़ा सा क्या है माइंड में नहीं आता रैंडम कि हाँ ऐसा भी सोचना है एग्जाम्पल, तो इस तरीके को कलेक्ट कर लेंगे। क्लियर है?